गुड मॉर्निंग गाइस, तो आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आपको नई वरना का रिव्यू देंगे। अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, सो वहीं जाकर आपसे मिलते हैं डायरेक्ट ऑन द शो। चलो भाइयों, तो हम आ गए हैं और अब चलते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया हमने वरना देखने, नहीं बताया तो अब दोबारा बता देते हैं और देखेंगे, अगर पसंद आई तो फिर बुक कर देंगे। बाकी अभी पहले उसका रिव्यू लेते हैं और आपके साथ भी उसका रिव्यू शेयर करेंगे कैसी है वो। वरना तो यार पहले भी रखी हैं तो उसका तो बात ही अलग है। फ्यूल एफिशिएंसी हो, स्पीड हो, एक्सेलरेशन हो, लाइक एवरीथिंग इज बेस्ट क्लास इन दी वरना। देखते हैं क्या उसका रहता है। वरना एक्सयूवी 300 तो अपनी है ही, देखो फिर वही वो तो करनी ही है क्योंकि वही पसंद है घर वालों का, एक्सयूवी में वही चाहिए। भाइयों आ चुके हैं हुंडई के बाहर, चलते हैं बंदर और देखते हैं न्यू वरना। सो गाइस, ये आ चुके हैं बंदर और ये देखिए क्या लुक है इसके। DRL पूरे कंटिन्यूटी में चलते हुए ये वाइट DRLs और हेडलाइट तो बिल्कुल हाइड हो चुकी हैं इसमें। सो काफ़ी अमेजिंग ग्रिल यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, विच कंप्राइज ऑफ मैनी एलिमेंट्स जो कि हाइड हैं इसमें, लाइक योर कैमरा, डैश लेवल सेंसर, हेडलाइट्स जो कि सिर्फ रात को दिखेंगे, टर्न ऑन इंडिकेटर्स, दैट इज लाइक अमेजिंग प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, काफ़ी अच्छा थ्रो इनका है। सो डैश क्या जाने के बाद ब्लाइंड स्पॉट की दिक्कत इसमें ख़त्म हो गई है, फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट भी मिल गया और कोई व्हीकल अगर आपको ओवरटेक कर रहा है तो मे बी आपको असिस्ट करेगी। लेन कीप असिस्ट और हाई बीम असिस्ट जैसे कि आप ऑलरेडी एक सुविधा डास में देख चुके हैं, सेम फीचर। और भाई टायर्स तो इसके बड़े गजब के दिए गए हैं, डायमंड कट अलॉयज हैं वो भी रेड कैलिपर्स में, क्या मस्त लग रहे हैं। एंड प्रोफाइल की बात की जाए तो 205 16 इंचेस के टायर देखने को मिलते हैं, क्रोम का वर्क होता है यहाँ पर एंड पुश स्टार्ट बटन के साथ ही अपने को मिलता है 1.5 टर्बो मॉडल। और ऐसा कुछ इसका ओवरऑल लुक है अगर रियर से देखा जाए तो, अगेन ये DRLs पीछे भी पूरे कंटिन्यू होते हैं। सो ये दो यूनिक चीज़ें की हो गई हैं कि फ्रंट में भी ऐसे कंटिन्यू DRLs और पीछे भी, जो कि इसे एक अमेजिंग लुक देते हैं। और बहुत सारे क्रिस्टल एलिमेंट्स इसमें यूज़ किए गए हैं अगर ध्यान से देखा जाए तो, एंड जिस यही छोटी मोटी चीज़ें इसे यूनिक बनाती हैं। ऑफ कोर्स ये 1.5 टर्बो मॉडल है जिसकी प्राइस जाएगी 17 के अराउंड एक शोरूम। हाई ग्राउंड क्लियरेंस इसमें देखने को मिलती है, ये इसे एक पुरानी वरना से काफ़ी यूनिक बनाती है। 5 mm का डिफरेंस है, उसमें 165 आती थी, इसमें 170 अपने को देखने को मिलती है। एंड अगेन क्रिस्टल्स का वर्क इज जस्ट लाइक परफेक्ट, ऐसा लगता है किसी ने काफ़ी टाइम दे के इसे बनाया गया, सो दैट्स लाइक अमेजिंग। एंड दिस इज द रियर पार्किंग सेंसर्स। और गाड़ी काफ़ी लंबी नज़र आती है साइड से और आनी भी चाहिए। 14.8 फिट के अराउंड इसकी टोटल लेंथ है। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और चेक करते हैं कि कैसा रियर सिटिंग कंफर्ट है। लेट्स चेक आउट, लेट्स गो इनसाइड। और हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और काफ़ी सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ प्रोवाइड किया गया है अपने को और काफ़ी प्रीमियम मटेरियल देखने को यहाँ पे मिलता है। दो इवेंट्स मिलते हैं, फुल स्पेस एंड USB-C पोर्ट्स देखने को मिल गए हैं जो कि चाहिए भी आज के टाइम में। एंड ये बनता है आपको स्लाइडिंग बटन। बॉस के स्पीकर्स यहाँ देखने को मिलते हैं, 8 स्पीकर्स ये मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर एंड काफ़ी स्पेस। और रेड थीम कंटिन्यू होते हैं पूरी गाड़ी में जो कि आपको आगे तक देखने को मिलेगी, आर्म रेस्ट एंड सफिशेंट स्पेस। और इसकी यूनिक फीचर है ये बड़ा सनरूफ का, LED लैंप यहाँ देखने को मिल जाता है, ग्रैब हैंडल्स। और अगर ओवरऑल इंटीरियर देखा जाए तो अच्छा, काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वरना। और ऐसा कुछ ओवरऑल लुक आता है इसका, ये रेड लाइन जो है इसे बिल्कुल यूनिक बनाती है 1.5 टर्बो मॉडल में ये जो है, और साथ में विद एम्बिएंट लाइटिंग जो कि अभी ऑन नहीं है लेकिन हम आपको दिखाएंगे बाद में ऑन करके। तो भाई बहुत हुआ वेट, अब चलते हैं फटाफट इसके आगे और चेक करते हैं क्या फील आती है इसमें आगे बैठ के। और ये हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, एकदम लग्जरी गाड़ी की फीलिंग आपको बैठ के आती है इसके अंदर। और क्या स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, काफ़ी प्रीमियम लेदर का यहाँ यूज़ किया गया है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, म्यूज़िक कंट्रोल करने के लिए आपका, और इधर मिल जाते हैं MID कंट्रोल बटन्स।
जो कि आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज हाउ इट लुक्स। एंड यहाँ पर वो स्टार्ट बटन थोड़ा अंदर दिया गया है इसमें, एंड दिस इज हाउ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लुक्स। तो काफी अमेजिंग व्यू है। 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको देखने को मिलती है। नहीं भाई, फ्यूल अभी नहीं डलवाना है। नो। एंड दिस इज हाउ इट्स ओवरऑल लुक जो देखने को मिलता है। एंड काफी डिफरेंस है अगर कलर देखा जाए इसे पुरानी वरना के कंपैरिजन में। काफी यूनिक यहाँ पे चीजें देखने को मिली हैं भाइयों। यही कुछ चीजें हैं जो वरना को काफी अलग बनाती हैं बाजार की भीड़ से, तभी इसका आज भी नाम है। ये हैं इसकी कुछ ऐसी कीज अपने को देखने को मिलती हैं, अनलॉक अनलॉक बूट हॉल्ड एंड होल्ड के साथ। काफी प्रीमियम किया है अपने पास। एंड आर्म रेस्ट में देखा जाए तो वही थोड़ी बहुत स्टोरेज मिल जाती है विद द चार्जिंग पोर्ट। ग्लव बॉक्स यहाँ पे अपने को देखने को मिल जाता है, एंड दैट इज अ कूल ग्लव बॉक्स विद अ डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज। भाइयों अब जो मेरा चीज़ बहुत अट्रैक्ट कर रही है ध्यान, वो है ये एम्बियंट लाइट्स। काफ़ी कूल एम्बियंट लाइट्स हैं जो कि इतनी ब्राइट हैं, देख सकते हैं आप 64 बिलियन कलर कॉम्बिनेशन इसमें देखने को मिलते हैं अपने को। एंड सनरूफ तो आज के टाइम में सबका मनपसंद फीचर है ही, कोई बिना सनरूफ के गाड़ी लेना पसंद ही नहीं करता है। एंड दिस इज हाउ ओवरऑल डैशबोर्ड ऑफ द वर्ना लुक्स लाइक फ्रॉम द फ्रंट। देखो मिल जाते हैं चार्जिंग सॉकेट्स विद यूएसबी सी एंड अ सिंपल यूएसबी और 12 वोल्ट का एक डीसी प्लग विद वायरलेस चार्जर। सीट वेंटिलेशन के ऑप्शन भी यहाँ मिलते हैं, हीट इवन कूल। काफ़ी अच्छा बढ़िया फीचर दिया गया है ये भी, सीट वेंटिलेशन का ऑप्शन और डाल देते। एंड ये तो हमारा फेवरेट है क्रेटा से, विद ऑटो होल्ड एंड पार्किंग ऑप्शन, एवरग्रीन गियर बॉक्स। ब्रेक पेडल्स यहाँ आपको देखने को मिलते हैं स्टील फिनिश के साथ विद रबर फॉर ग्रिप। तो ये हैं इसके कुछ की फीचर्स, आप पॉज करके इनको देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका बूट और चेक करते हैं इसकी कितनी कैपेसिटी है, कितने बैग्स ये कैरी कर सकती है। ओह माय गॉड, इट्स अ ह्यूज ह्यूज मैसिव बूट विद अ नेट एंड अ सबवूफर इज प्रेजेंट हियर एज वेल। सो काफ़ी अच्छी आवाज़ यहाँ पर आपको सुनने को मिलने वाली है। और देखा जाए नीचे स्टेपनी प्रोवाइड की गई है, नेट की क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम नज़र आ रही है, काफ़ी बड़ा है। इसमें आप कम से कम 3-4 बैग आराम से लेके जा सकते हैं एंड फैमिली कैन ट्रेवल ईजी है। तो 528 लीटर का यहाँ हमें बूट स्पेस देखने को मिलता है इसमें। बाकी इसमें हमें देखने को मिल जाता है शार्क फिन एंटीना जो वाकई कमाल लगता है। और ये गाड़ी एक स्पोर्ट्स कार की तरह बहुत बोल्ड लुक कैरी करती है पीछे से, एक हाई एंड लग्जरी स्पोर्ट्स कार। सो ये था वरना का रिव्यू भाइयों, और अपने आप में ही ये गाड़ी किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। सच में गजब गाड़ी बना डाली है हुंडई वालों ने। और साथ ही साथ एक और गाड़ी लॉन्च हो चुकी है, आइओनिक ईवी, जिसके लुक्स हैं कुछ ऐसे। ओह माय गॉड, 48 लाख की ये गाड़ी पड़ने वाली है। अमेजिंग एलॉय वर्क्स, अमेजिंग रिम्स और ओवरऑल जो बॉडी है एकदम जैगुआर एफ पेस जैसी इसकी लगती है। सो इसका भी रिव्यू जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप लोग बने रहें हमारे साथ और ऐसी एक्साइटिंग ब्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।